ऐसा है सिक्योरिटी गार्ड में ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट में ड्यूटी करे और वहां से आप दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और चेन्नई, हैदराबाद, किसी भी स्टेट से कहीं भी ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं, मोमेंट लेटर कैसे ले सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं। और जो है हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको जॉब चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, गूगल फॉर्म, जहाँ पर आपको जॉब 100% मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको भी जानकारी चाहिए प्रतिदिन तो 8 बजे नए जानकारी, नए जॉब, नए इन्फॉर्मेशन, तो फॉलो जरूर कर लीजिए हमारे चैनल के को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम आपको जॉब से रिलेटेड प्रतिदिन जानकारी देते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहा था जी, सर ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं हम किसी भी स्टेट में से, हम अपना दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से हैदराबाद, कोलकाता, बिहार, झारखंड, यूपी, लखनऊ, कानपुर, किसी भी स्टेट में। ऐसे ऐसे दोस्तों इसमें बहुत सारा नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन देखा जाए तो किसी फील्ड ऑफिसर नहीं मानते। दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा अपने फील्ड ऑफिसर को कि ये इसका पूरा है 100% टेक ओवर रहता है आपके फील्ड ऑफिसर के पास। उसको बताना सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और दिल्ली में वहाँ पे पहले कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा किसी फील्ड ऑफिसर से, सर हम दिल्ली आना चाहते हैं और आपके अंदर में काम करना चाहते हैं और मैं अभी बेंगलोर, हैदराबाद, कहीं पे भी मैं किसी भी स्टेट में कर रहा हूँ तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अगर वो फील्ड ऑफिसर बोलते हैं ठीक है आप आ जाओ, तो आने से ऐसे नहीं हो जाएगा जो आपको बोल दिया आ जाओ, नहीं। पहले के समय में क्या होता था, मोमेंट लेटर बनता था, ट्रांसफर लेटर, जिसको मोमेंट लेटर पे ब्रांच हेड का और स्टंप लगता था, मोहर लगता था, वो लगने के बाद जो है आपको मोमेंट लेटर दिया जाता था और मोमेंट लेटर लेकर के आना है, अपना ब्रांच में जाओ जिस ब्रांच में ड्यूटी करते हैं उस ब्रांच में देना होता था तो कोई भी फील्ड ऑफिसर आपको ड्यूटी काम दे दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, ईजी कर दिया है, देखा जाए तो ज़्यादा परेशानी करेगा नहीं अभी क्या कर दिया है। लेकिन आपको जिस फील्ड ऑफिसर के अंदर में काम कर रहे हैं तो उसको बताना है सर मैं जा रहा हूँ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, कहीं भी किसी भी स्टेट से, और वहाँ के फील्ड ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि सर मैं आपके अंदर में ड्यूटी करना चाहता हूँ दिल्ली में, मैं हैदराबाद में कर रहा था, मेरा ड्यूटी यहाँ पे लगा दीजिए। तो कैसे होता था, इसमें जो है एम्प्लॉय कोड होता है SIS का, ये कोड एम्प्लॉय ID आपको अपने ID से ट्रांसफर करेगा जो हाँ ये लड़का अभी दिल्ली में करना चाहता है, और वो जो पहले वाला फील्ड ऑफिसर है उसके पास जाता है और वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ओके एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप वहां से आकर के यहाँ पे दिल्ली इजीली ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन ये इजी सुनने को जितना आसान है उतना आसान होता नहीं है दोस्तों। देखा जाए हम ये 1.5 साल से जब से वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हुआ जो किसी का 5,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 डेबिट मार देता है। अब किसी के स्टेट में ड्यूटी कर रहे हो आप और वहाँ पे मैन पावर का शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और आप वहाँ हैदराबाद से अगर भागना चाहते हो, दिल्ली आना चाहते हो, मुंबई जाना चाहते हो, तो वो कोई भी फील्ड ऑफिसर आपको आसानी से तो जाने देगा नहीं। हाँ अगर बहुत मैन पावर है, उसके पास बहुत सारे गार्ड है, तो एक दो भाग भी गया, चला भी गया, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको ट्रांसफर कर देता है। अगर आपको उसकी मर्जी के खिलाफ आइएगा तो आपको डेबिट मार देगा, 5,000 रुपये डेबिट मारने का उसके पास पावर रहता है। उसमें करता क्या, 5,000 के अलावा 2-3 हज़ार अलग से, जैसे मेरे से कैश लिया है, किसी के पैसे लेके भाग गया है, ये सब लगा करके 5-10 हज़ार जो है डेबिट मार देता है लड़के सबको। नॉर्मली 5,000 डेबिट मारने का पावर रहता है फील्ड ऑफिसर को। तो वो देकर के कई सारे लड़के आया, एक लड़के के मैं पैसे भी वापस करवाया हूँ फील्ड ऑफिसर से, लेकिन 7,000 काटे थे जिसमें से 3,000 वापस करवाए थे। तो इसमें जो है आप अगर आना चाहते हैं तो अपने फील्ड ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, फिर आइए किसी भी स्टेट में जाइए और उस फील्ड ऑफिसर को बोले सर मेरे को ID ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपके पास ड्यूटी करेंगे, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, गुड़गांव हो, कहीं भी हो। तो इस तरह से ड्यूटी ट्रांसफर होता है। और पहले मोमेंट लेटर वाला सिस्टम था वो अब बंद हो चुका है, अब ऑनलाइन वाला जस्ट हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाता है। और यही ट्रांसफर कराने के लिए बहुत सारे फील्ड ऑफिसर झगड़ा कर लेते हैं, गार्ड से गार्ड झगड़ जाते हैं फील्ड ऑफिसर से, क्योंकि मेरा ट्रांसफर कर दो, करना है तो करना है, नहीं भी करता। जहाँ मैन पावर है, इजीली सोचो अगर कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर 50 सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं, वहाँ पे 40 ही है, वहाँ पे सर 10 शॉट चल रहा है, और फिर भी आप वहां से भागना चाहते हो तो वो फील्ड ऑफिसर तो जाने नहीं देगा आपको वैसे आसानी से, आप फिर भी भाग जाते हो किसी भी स्टेट में, जो ट्रांसफर तो कर ही देगा, ड्यूटी करोगे वहां तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये कुछ न कुछ पनिशमेंट दे ही देता है।
तो ये कंडीशन होता है ट्रांसफर कराने का। लेकिन हाँ, जितना प्यार से बात करो फील्ड ऑफिसर से उतना अच्छा रहेगा। कहीं सी बी स्टेट में आप ट्रांसफर आप ले सकते हो अगर उतना फील्ड ऑफिसर अच्छा है तो। नहीं तो आजकल फील्ड ऑफिसर 99% अच्छा नहीं रहता है गार्ड के लिए। थोड़ा बहुत अगर बदतमीजी कर लोगे तो आपकी वाट लगा देगा। और कई जगह इसी की वजह से वहाँ फील्ड ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड में बहुत मारपीट भी हो जाता है। बहुत सी जगह सुनने को मिला है, देखने को भी मिला है। देखा जाए तो मेरे को कई बार का पंगा हो रखा है। तो ऐसे ऐसे होता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफर का बहुत इजी तरीका है, जो आप बिना मूवमेंट लेटर का किसी भी पेपर लेस आप ड्यूटी ट्रांसफर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डालेगा आपका प्रजेंट वाला फील्ड ऑफिसर पहले वाला फील्ड ऑफिसर को, वो एक्सेप्ट करेगा आप ड्यूटी स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यही अभी कंडीशन है ट्रांसफर ड्यूटी ट्रांसफर करने कराने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी तो दे जो भी वीडियो जानकारी दिए बिल्कुल करेक्ट है, 100% लीगल। और इसे फॉलो कीजिए, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जॉब चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।